नमस्कार, देवभूमि की खबरों के संगम अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जो कि दरअसल गृहमंत्री अमित शाह से जुड़ी है। जी हां, देश के गृहमंत्री अमित शाह कल रुद्रप्रयाग का दौरा करेंगे और जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में बीजेपी प्रत्याशी का डोर टू डोर प्रचार अभियान करेंगे। इसके अलावा पूर्व सैनिकों, महिला स्वयं सहायता समूहों और अनुसूचित जाति समाज के लोगों को भी वर्चुअल संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक वो रुद्रप्रयाग में ही रहेंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुआल ने बताया है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह रुद्रप्रयाग में स्थित गुलाब राय हेलीपैड में उतरेंगे, जिसके बाद वो सबसे पहले अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम के पास स्थित भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद वो रुद्रप्रयाग बाजार में डोर टू डोर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। हमारे उत्तराखंड के अंदर और खास तौर से रुद्रप्रयाग जनपद के लिए बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर हमारे देश के जाने माने नेता, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कल यहाँ पर रहने वाले हैं। और रहने वाले नहीं हैं, लगभग उनके 5 तरह के कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तावित हैं। पहला कार्यक्रम वो जो यहाँ का प्रसिद्ध भगवान जी का मंदिर है रुद्रनाथ जी का, उसका दर्शन का, देव दर्शन का उनका कार्यक्रम है, वहाँ पर वो रहेंगे। उसके उपरांत जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में रुद्रप्रयाग बाजार में डोर टू डोर कन्वेंसिंग करेंगे सांकेतिक रूप से, और जनता से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार ने, धामी सरकार ने और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने 5 वर्षों में और 7 वर्षों में इस राज्य के लिए विकास के जो अनेकों काम किए हैं। बीजेपी की तरफ से लालकुआ विधानसभा सीट से मोहन सिंह बिष्ट को टिकट देने के बाद बीजेपी से टिकट के प्रबल दावेदार पवन चौहान साल 2012 से आज तक की गई बीजेपी की सेवा का जिक्र करते हुए रो पड़े। उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का बंटवारा बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इस दौरान उन्होंने आयोजित महापंचायत में पहुंचे हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो लालकुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरकर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को धूल चटाएंगे। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर हमेशा नीचा दिखाने और राजनीति में पीछे धकेलने का भी आरोप लगाया है। देखिए, ये मेरा अपना कोई निर्णय नहीं होता है, समय बड़ा बलवान है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया। भारतीय जनता पार्टी ने, एक मेरा परिवार था उस परिवार से मेरे को अलग किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सब, मैं अपने सब अब शब्द नहीं बोल सकता, मैं उनके लिए कुछ ऐसी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो कांग्रेस से भी दूषित चेहरा है। जनता लड़ रही है, मैंने क्या लड़ना है, जनता लड़ रही है। और जनता ने तय किया है कि आप हतोत्साहित ना हो, हम आपके साथ हैं। वहीं गदरपुर के तहसील परिसर में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमानंद महाजन ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान नामांकन कक्ष में प्रेमानंद महाजन के संग 2 लोग दाखिल हुए। प्रेमानंद महाजन ने कहा कि मैं अभी 2 बार विधायक बना हूँ। कांग्रेस की चारों तरफ लहर चल रही है। गदरपुर विधानसभा में कांग्रेस को हर जाति समुदाय के लोगों का समर्थन भी भरपूर मिल रहा है। देखिए, अभी कोविड का समय चल रहा है, नामांकन है, आपके निर्वाचन आयोग की तरफ से भी सख्ताई है। हम लोगों ने खाली फेसबुक के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को सूचना दिया था कि आज के तारीख में 27 तारीख को नामांकन करेंगे और आपके निर्वाचन आयोग के माध्यम से हमें अनाज मंडी में खड़े होने का जगह दिया गया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे पास शब्द नहीं थे, देख के जो इतने लोग वहाँ पहुँच गए, उन भीड़ को देख कर मेरे पास शब्द नहीं था। स्वात स्फूर्त कई हजार लोग वहाँ थे। नैनीताल 58 विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर भुवन चंद राज ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुमार दुमका, आप पार्टी नेता देवेंद्र लाल मौके पर मौजूद थे। डॉक्टर आर ने अपना नामांकन पत्र उप जिलाधिकारी कार्यालय के सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रतीक जैन को सौंपा। जसपुर में भाजपा, कांग्रेस और बसपा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया।
भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने अपने कार्यालय में नगर में पैदल निकलकर लोगों से जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसी के साथ ही भगवान के चरणों में माथा टेक कर समर्थकों के साथ अपना नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल का लोगों ने जगह जगह फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। अच्छा विधान है, कार्यकर्ताओं की जनता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार लहर है। सबसे पहले तो टक्कर अपने आप से ही होती है, क्योंकि अपने ही जो व्यवस्थाएं होती हैं, अपना तौर तरीका होता है, उसी को अगर हम ठीक से चला लें तो जीत निश्चित है। तो लोकतंत्र है, हर पाँच साल में आदमी जो राजनीति में है उसे पाँच साल में लोकतंत्र लोग जनता की अदालत में जाना ही पड़ेगा। लेकिन आज जब हम अपने ऑफिस से चले पर्चा भरने के लिए तो जनता की मोहर तो ऐसा है कि लग चुकी है, क्योंकि रास्ते में जिसने स्वागत किया है तो उससे महसूस हो रहा है कि विजय निश्चित है। जो जसपुर विधानसभा में हुए 20 साल हो गए, अब फिर से वो 15 साल वाला और 5 साल वाला मैदान में है। अब जनता ने मन बना लिया है कि एक तरफा वोट देकर और इन दोनों को सबक सिखाना है और किसी की टक्कर नहीं, मेरी टक्कर अपने आप से है। वहीं काशीपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी कुंवर नरेंद्र चंद्र सिंह बाबा ने एसडीएम कोर्ट पहुंचते हुए चुनाव रिटर्निंग अधिकारी अभय प्रताप सिंह के सामने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जनता से आशीर्वाद लेते हुए सहयोग की अपील की। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर नरेंद्र चंद्र सिंह बाबा ने कहा कि इस बार काशीपुर में परिवर्तन की बयार है और जनता बीजेपी से परेशान है। कांग्रेस को इस बार काशीपुर में सभी समुदायों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कालाडूंगी साठ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव महेश शर्मा ने कालाडूंगी तहसील से नामांकन पत्र खरीदा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी शर्मा की तरफ से नामांकन पत्र खरीदने पर बाजपुर से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य भी कालाडूंगी पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान महेश शर्मा के साथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में हमारे कांग्रेस हाईकमान ने, उत्तराखंड के शीर्ष नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने महेश शर्मा जी को यहां से प्रत्याशी बनाया है और यह कार्यकर्ताओं की कई वर्षों से मांग भी थी और यहां की जनता की आवाज़ भी महेश शर्मा बने रहे, वहां की यहां की मूलभूत समस्याओं को हमेशा उन्होंने आंदोलन के रूप में हो, चाहे प्रदर्शन के रूप में हो, चाहे धरने के रूप में उठाने की काम किया है। विगत 15 साल से हम एक कार्यकर्ता के हक की लड़ाई लड़ रहे थे और आज हाईकमान ने पूरी सर्वे करा करके गांव-गांव, नगर हों, वार्ड हों, पंचायतें हों, हर व्यक्ति से, आपने इतनी इंक्वायरियां पहले आपने शायद कहीं देखी होगी, फोनों के माध्यम से क्षेत्र में जाके हाईकमान ने मजबूत और उस तलाश में मैं खरा साबित हुआ। हाईकमान ने जन भावनाओं के अनुरूप मुझे कालाडूंगी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। देखने की कार्यकर्ताओं में एक जोश है, एक उत्साह है। वहीं दर्शकों, उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही राजनीतिक दलों के लोग भी दूसरी राजनीतिक पार्टियों में जाने में लगे हुए हैं। मंगलौर विधानसभा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव मरगूब कुरैशी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। मरगूब कुरैशी ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और क्षेत्र विधायक और कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधायक कार्यकर्ताओं को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, कांग्रेस विधायक कार्यकर्ताओं का सम्मान करना ही नहीं जानते, जिसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पिछले एक वर्ष पहले जिला कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी विभाग का मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया था, इन्होंने विधायक निजामुद्दीन ने नेक्स्ट डे अगले दिन तत्काल प्रभाव से मुझे उस पोस्ट से हटवाने का काम किया। मेरी जो है आस्था कांग्रेस में थी, लेकिन मैं दुखी हो करके, परेशान हो करके आज कांग्रेस को अलविदा कह रहा हूँ। सिंह बिल्कुल भी कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नहीं थे, अगर ये बड़े नेता थोड़ी भी कोशिश करते
मैं दो दिन से इस चीज़ को जो है अपने आला कमान में और इनके संज्ञान में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा राजपाल सिंह से बात कीजिए, मरकोब कुरैसी कभी नहीं पार्टी छोड़ने वाले थे। मैंने बहुत बड़े नेताओं से कहा कि उनकी अनदेखी हो रही है, उनको सूबा जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है अल्पसंख्यक कांग्रेस का, श्याम को उनको हटाने का काम किया जा रहा है, आप उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए। लेकिन इनके बड़े नेताओं के कोई सिर पर तक नहीं रेंगती है। वही रुड़की की भगवानपुर तहसील क्षेत्र के ज्वालापुर विधानसभा के गांव गांजा माजरा के लोगों ने 2022 चुनाव के दौरान 14 फरवरी को होने वाले मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इस गांव के बाहर प्रवेश द्वार से लेकर गांव के अंदर तक ग्रामीणों ने बैनर लगा दिए कि कोई भी राजनेता इस गाँव में प्रवेश न करे। इस नाराजगी को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि उनके गाँव की मूलभूत समस्याओं को जानने कोई नेता उनके गांव में नहीं पहुंचा। पिछली विधानसभा में जो विधायक रहे उन्होंने इस गांव की समस्याओं को जानने का प्रयास नहीं किया। विधायक हो या एमपी, सिर्फ वोट मांगने आए और झूठे वादे करके चले गए। पर जब से उत्तराखंड बना उनकी समस्याओं का कोई राजनेता या प्रशासनिक अधिकारी हल नहीं निकाल सका है। मेरा कहना यह है कि मेरा समाधान कुछ नहीं है, यहाँ पे ना शमशान घाट है ना रास्ता है, ठीक है, और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशानी चलते हैं। हमारे यहाँ कोई समाधान नहीं है, वोट नहीं है तो काम नहीं है, ठीक है, और जब तक हम वोट नहीं देने के जब तक हमारे गांव का काम नहीं समझता है, ठीक है। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई समाधान नहीं हो रहा, आते हैं वोट लेते हैं चले जाते हैं। कोई किसी जनप्रतिनिधि ने हमारे गाँव में आज तक तो कोई विकास नहीं किया है और पूरा गाँव एक मत होकर के चुनाव का बहिष्कार कर रहा है। तीन मूलभूत हमारी समस्याएं हैं और गाँव ने एक ही मन बना लिया है, अगर ये तीनों समस्याएं हमारे हल नहीं होती हैं तो हम वोट नहीं करेंगे, पूरा गांव बायकॉट करेगा वोट का। चुनाव बहिष्कार का बोर्ड गांव में लगा गया है, क्या कारण है? सर कारण ये है जी, हमारे गांव में इस समय तीन बहुत गंभीर समस्याएं हैं। एक तो शमशान घाट का न होना, और गांव की जो मुख्य गलियां हैं वो बहुत गंदी है, टूटी फूटी पड़ी हैं, कीचड़ हो रखा है उनमें, चलन जाता, और उनसे भी गंभीर समस्या हमारी दिल्ली देहरादून हाईवे को जोड़ने वाला गांजे से बिहारीगढ़ तक का जो हमारा संपर्क मार्ग है वो बिल्कुल जमीन से आदमी के सिर बराबर गहरा है लगभग। माकपा, भाकपा और भाकपे माले तीन वामपंथी दलों के संयुक्त प्रत्याशी के कर्णप्रयाग विधानसभा से चुनाव लड़ने में उतरे कॉमरेड इंद्रेश मैखुजी ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद से ही सघन जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी। इस दौरान उन्होंने लोगों का समर्थन जबरदस्त मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार कर्णप्रयाग विधानसभा के मतदाताओं ने उनके पक्ष में आशीर्वाद लेने का मन बना लिया है। बहरहाल भाकपा माले के इंद्रेश मैखुरी का चुनावी प्रचार प्रसार जोर शोर से गांव-गांव घर-घर चल रहा है। वो लोगों से उनके पक्ष में वोट करने और आशीर्वाद देने की अपील भी कर रहे हैं। तीन वामपंथी पार्टियां भाकपा, माकपा, भाकपा माले यहां तीनों विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रही हैं। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र से भाकपा के कॉन्द्रेड विनोद जोशी उम्मीदवार हैं, खराली विधानसभा से माकपा के कॉन्द्रेड कुंवर राम उम्मीदवार हैं, और कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से मैं इंद्रेश मैखुरी भाकपा माले की तरफ से। वामपंथी पार्टियां इस प्रदेश के भीतर जो शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल, जल जंगल जमीन पर लोगों का अधिकारों का सवाल, और जो इस प्रदेश की बदहाली है, पिछले 20-21 सालों में विधानसभा के भीतर जनता के सवालों की आवाज नहीं सुनाई दी है। गदरपुर के तहसील परिसर में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पांडे ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान नामांकन कक्ष में अरविंद पांडे के संग दो लोग दाखिल हुए। अरविंद पांडे ने कहा कि चारों तरफ बीजेपी की लहर चल रही है, गदरपुर विधानसभा में हर जाति समुदाय के लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है, मेरे प्रयास से उत्तराखंड में BCCI की मान्यता मिली है जिससे क्रिकेट के खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। सभी का आशीर्वाद लेके आज मैंने नॉमिनेशन किया है और अंदर नॉमिनेशन के वक्त आज हमने शपथ भी लिया है। यह लोकतंत्र में अपने संविधान के तहत यह प्रक्रिया नॉमिनेशन में पहली बार हुई है और शपथ लेते हुए मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव के वक्त भी जो हमने शपथ लिया है हम 100% इसका पालन करेंगे और जो जनता का आशीर्वाद है बहुत प्रचंड बहुमत के साथ। मोदी जी पे आम जनता का विश्वास है, कमल के फूल पे आम जनता का विश्वास है, 100% जो जनता ने हमसे उम्मीदें की हैं हमने भी कोशिश किया कि उसको पूरा किया जाए, पर उसी वादे को जो हमने पूर्ण किया है उसी के तहत आम जनता का बहुत बड़ा समर्थन मिला है।
वहीं नैनीताल से 58 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी सरिता आर्य ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी सरिता आर्य ने उपजिलाधिकारी कार्यालय में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर प्रतीक जैन को अपना नामांकन पत्र सौंपा। नामांकन के दौरान बीजेपी नेता मोहन सिंह नेगी और दया किशन पोखरियाल साथ रहे। कालाढूंगी 60 विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे बीजेपी के वंशीधर भगत ने कालाढूंगी तहसील परिसर में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी वंशीधर भगत को इस बार भी विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से विजयी बनाने को कहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से घर घर जाकर चुनाव प्रचार पहले ही तेज कर दिया गया था। नॉमिनेशन हुआ है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, मैं उसका आभार प्रकट करता हूं और पार्टी के द्वारा के अलावा यहां की जनता और यहां के कार्यकर्ताओं ने जो वातावरण बनाया है उसके कारण मुझे टिकट दिया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। जैसे पिछले वर्षों में मैंने लगातार जनता के बीच में रहकर उनके दुख सुख में शामिल होकर और यहाँ का विकास को प्राथमिकता देकर काम किया, वैसे ही आगे भी करेंगे। काशीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए त्रिलोक सिंह चीमा ने चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर अभय प्रताप सिंह के सामने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि बीजेपी से चार बार से लगातार विधायक चले आ रहे हरभजन सिंह चीमा के बेटे त्रिलोक सिंह चीमा ने एसडीएम कार्यालय पहुंचते हुए चुनाव रिटर्निंग अधिकारी के सामने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से वो रूबरू होते हुए उन्होंने कहा है कि पांचवीं बार काशीपुर में फिर से बीजेपी का परचम फहराया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम एक साथ आपको दिख रही है और हम सब एक परिवार की तरह एक साथ हैं और एकजुट होकर हम ये भारतीय जनता पार्टी की सीट जैसे हमने हमेशा निकाली है, इस बार भी काशीपुर से भारतीय जनता पार्टी की सीट इस काशीपुर विधानसभा से निकालेंगे। हम लोग जो है अब डोर टू डोर मीटिंग कर रहे हैं और जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत उनका आशीर्वाद मिल रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, वो किसी एक इंडिविजुअल के साथ नहीं जुड़ा हुआ। इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है वो निश्चय है। वहीं सितारगंज नामांकन कार्यालय पहुंचकर बीजेपी के प्रत्याशी सौरभ बहुगुणा ने कोविड-19 की गाइडलाइन को देखते हुए सितारगंज नामांकन कार्यालय पहुंचकर नामांकन किया। वहीं सुरक्षा को लेकर नामांकन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान सौरभ बहुगुणा ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की भी अपील की। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे 68 विधानसभा को फिर से रिप्रेजेंट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया और अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने 5 साल लगातार यहाँ पर विधायक रह के काम कराए हैं, लोगों के साथ रिश्ते कायम किए हैं, सुख दुख में उनके साथ रहे हैं, विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा है और कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस है कि जिस तरीके से 17 का चुनाव हमने विकास के नाम पर लड़ा था, ये वाला चुनाव भी हम विकास के नाम पर लड़ेंगे और जनता हमारा पूरा सहयोग भी करेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त जनता में बहुत ज़्यादा जोश और उत्साह है उनको वोट करने के लिए और मुझे लगता है कि 68 विधानसभा फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में 10 मार्च को जाएगी। वहीं गदरपुर 65 विधानसभा प्रत्याशियों के नामांकन का स्थान गदरपुर तहसील में बनाया गया है जहां पर बीजेपी कांग्रेस बीएसपी आदि पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से सुरक्षा का कड़ा प्रबंध भी किया गया, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई। इस दौरान एसपी काशीपुर चंद्रमोहन सिंह ने कहा कि 2 दिन तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी, प्रत्याशियों के साथ केवल 2 ही व्यक्ति अंदर आ सकते हैं जिसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नामांकन के लिए कल लास्ट डेट है तो सारे कैंडिडेट जो भी हैं 2 प्रस्तावकों के साथ ही आरओ ऑफिस में इंटर करेंगे, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है और उसी का पालन कराया जा रहा है। 100 मीटर दूर जो है अपने वाहन को रोक देंगे, कोई काफिला या किसी भी तरह का वो नहीं चलेगा तो सभी को बता दिया गया है, सब इसका पालन भी कर रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पर जो पुलिस बल है, PAC है, CAPF है, जो SSB है आप देख रहे होंगे तो लगातार यहाँ पर नियमता बिल्कुल दुरुस्त व्यवस्थाएं हैं, उसी के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर नामांकन कराया जा रहा है।
वहीं पौड़ी में चौबट्टा खाल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सतपाल महाराज ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करवा दिया है। सतपाल महाराज ने चौबट्टा खाल सीट से चुनावी जीत का दावा करते हुए कहा है कि उनकी विधानसभा में पर्यटन के लिहाज से कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जबकि अपनी विधानसभा में वो कई जन विकास कार्य भी विधायक रहते हुए करवा चुके हैं। ऐसे में जनता का भरोसा उन्हें दोबारा मिलेगा, इसके लिए वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। वहीं हॉट सीट चौबट्टा खाल विधानसभा से नामांकन करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दिग्मोहन ने कहा है कि महाराज के कार्यकाल में उनकी विधानसभा पिछड़ी है। वो करीब 500 गांवों की नब्ज अपने भ्रमण में टटोल चुके हैं, जहां जनता आज भी स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगार, पेयजल के लिए तरस रही है। देखिए, मैं विगत 1.5 वर्षों से लगातार अपने क्षेत्र में गांव-गांव जा रहा हूं और मुद्दे कॉमन है जो 21 साल जिस परिकल्पना के साथ हमने उत्तराखंड राज्य लिया था 21 साल पहले, यही था कि मुद्दा यही था कि उत्तराखंड में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी, गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए लोगों को बाजारों में कमरा किराए पर लेकर नहीं जाना पड़ेगा, स्वास्थ्य की सुविधाएँ दुरुस्त होंगी। लेकिन 21 सालों के बाद आज भी लोग 200 रुपये की दवाई के लिए 2-2, 3-3 हज़ार की गाड़ी बुक करके जा रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि ग्रेजुएट बच्चे मनरेगा की दिहाड़ी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लोग नाउम्मीद हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से। 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़ी आशा और विश्वास के साथ में मंडल मुख्यालय और पौड़ी विधानसभा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को जिताया और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। जिस आशा और विश्वास के साथ में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, सरकार बनाए थी, योगदान दिया था, उस आशा विश्वास पर कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी नहीं उतरी इन 5 सालों में। और इन 5 सालों में मंडल मुख्यालय पौड़ी और पौड़ी विधानसभा की जो दुर्दशा हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।